गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वात्सल्य परिवार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 6 में एकम चार गिनती 51 से 100 तक पढ़ाऊंगी। आपने कक्षा 5 में 21 से 50 तक की गिनती देख ली है। अब यहाँ कक्षा 6 में हम 51 से 100 तक की गिनती पढ़ेंगे। शिक्षक छात्रों को समूह में बिठाकर 51 से 100 तक की गिनती का उच्चारण करवाएंगे। चलो हम यहाँ पे देखेंगे, ये है 51 यानी 51, 52 यानी 52, 53 यानी 53, 54 यानी 54, 55 यानी 55, 56 यानी 56, 57 यानी 57, 58 यानी 58, 59 यानी 59, 60 यानी 60, 61 यानी 61, 62 यानी 62, 63 यानी 63, 64 यानी 64, 65 यानी 65, 66 यानी 66, 67 यानी 67, 68 यानी 68, 69 यानी 69 एंड 70 यानी 70, 71 यानी 71, 72 यानी 72, 73 यानी 73, 74 यानी 74, 75 यानी 75, 76 यानी 76, 77 यानी 77, 78 यानी 78, 79 यानी 79 एंड 80 यानी 80, 81 यानी 81, 82 82, 83 83, 84 84, 85 85, 86 86, 87 87, 88 88, 89 89, 90 यानी 90। अब यहाँ पे हैं 91 यानी 91, 92 यानी 92, 93 यानी 93, 94 यानी 94, 95 यानी 95, 96 यानी 96, 97 यानी 97, 98 यानी 98, 99 यानी 99, 100 यानी 100। अब यहाँ पे हमने 51 से 100 यानी 51 से 100 तक की गिनती देखी। अब यहाँ पे एक भोले भैया को रास्ते में आने वाली संख्या का उच्चारण कराते हुए साइकिल तक पहुँचाइए। अब यहाँ पे एक लड़का है, उसका नाम है भोला भैया। उसको हमें यहाँ से रास्ता ढूंढ कर, रास्ता बताकर उसको हमें यहाँ साइकिल तक पहुँचाना है और गिनती का उच्चारण करते करते हमें यहाँ रास्ते से साइकिल तक पहुँचाना है। तो भोलू भैया यहाँ से आते हैं, उनको रास्ते में 21 मिलता है, फिर आते हैं उनको 25 मिलता है, फिर उनको 28 मिलता है, फिर उनको 30 मिलता है, फिर जाते हैं तो रास्ते में उनको 35 मिलता है यानी 35, फिर जाते हैं तो रास्ते में उनको 38 मिलता है यानी 38, फिर उनको रास्ते में 40 मिलता है यानी 40, फिर वो जाते हैं आगे आगे तो रास्ते में उन्हें मिलता है 45 यानी 45,
फिर 48 यानी 48, फिर 50 यानी 50, फिर 55 यानी 55, 55। फिर यहाँ पे जाते हैं तो 58 यानी 58। फिर यहाँ से गए, यहाँ पे आए तो यहाँ पे मिले 60 यानी 60। फिर यहाँ से 62 यानी 62, यहाँ पे 65, 66, 67। फिर यहाँ पे आए 69 यानी 69, 75 यानी 75, फिर 78 यानी 78, फिर 82 यानी 82, फिर 85 यानी 85। फिर यहाँ से गए, अट्ठासी यानी 88, 90 यानी 90, 95 यानी 95, और फिर यहाँ तक हमें लेके गए 100 तक। और यहाँ से भोले भैया की साइकिल मिल गई। अच्छा, थैंक यू स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आप अपना गृह कार्य अच्छी तरह से पूरा करेंगे।